फूकने वाली औरत। हेलो भाई इधर ध्यान दे, क्या तेरे को यह ज्ञान नहीं कि सूर्यास्त के बाद कोई मुर्दा नहीं फूकता, और तू अकेली मुर्द घाट में आई है। आज पहली बार देख रहा हूं किसी मुर्दे को लेकर के कोई औरत आई है। औरतें मुर्द घाट में नहीं आती, और तू आ भी गई है। हाँ पिया जी। पिया जी एक औरत आई है, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं कोई दूसरी औरत नहीं बल्कि आपकी पत्नी, आपकी धर्म पत्नी रानी तारा हूं। हे तारा, ये मुर्दा कौन है? और ये जो केले के पत्तों में लिपटा हुआ है, ये कोई और नहीं, ये आपका बेटा रोहतास है। मेरे भगवान, रोहतास है। सत्ययुग के अंदर बाप के सामने बेटा नहीं मरता। तारा कह दे के ये झूठ है, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। शायद महाराज ये बात झूठ होती, पर कहते हैं कि प्रत्येक को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ये सच्चाई है। मैं आपकी बेटी, आपकी पत्नी रानी तारा, और ये आपका पुत्र रोहतास है। तारा, ये विधि का विधान है, न जाने कौन मेरी इतनी बड़ी परीक्षा ले रहा है। अरे इकलौता बेटा था, बेशक मैं उससे अलग हो गया, लेकिन कम से कम वो जिंदा था तो मुझे सुकून तो था। तारा, ये तो समय का खेल है पिया जी। मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे बेटे के लिए इसकी चिता को अग्नि देने का काम कर दीजिए पिया जी। हाँ तारा, हाँ। चिता को अग्नि देते मिलकर। तारा, अगर तेरे पास 125 हो तो ला, पहले तो 125 दे दे। और मैं देख रहा हूं तेरे लड़के की लाश के ऊपर कफन भी नहीं है, केड़े का पत्ता है। तारा, तू कफन कैसे देगी? महाराज, ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अरे मेरे पास तो कुछ नहीं है देने के लिए, मैं कहां से कर और कफन ला कर दूंगी? कुछ नहीं है? कुछ नहीं है तो तारा मजबूरी है। इस मुर्द घाट में इस लड़के की चिता को अग्नि नहीं दी जा सकती, क्योंकि 125 कफन है। मेरे मालिक का हुक्म है 125 कफन दे तो ये चिता जल सकती है तारा, अन्यथा एक काम कर, मुझे भी दुख है तुझे भी दुख है, इस मुर्दे को उठा और किसी चलते दरिया में बहा दे। तारा, नहीं महाराज, दरिया में बहा नहीं। आप इतने कठोर शब्द अपने मुखारविंद से मत कहिए। तारा मेरी मजबूरी, इतना निर्दय मत बनिए, ये आपका बेटा भी है। मेरी बात सुन लीजिए महाराज, मेरी बात सुन लीजिए। जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। प्रेमी सजनों, पूछना चाहता हूं, मैंने पहली रागनी घाट नदी के घाट की रागनी सुनाई, क्या ये उस दिन रानी नहीं थी मेरी? उस दिन भी तो तू मेरी रानी थी, मुझे विधि बताने लगी। कैसी रानी? तू तो पंडितानी है, मैं भंगी हूं। महाराज, मैं उस समय भी मजबूर थी और आज भी मजबूर हूं। तो मजबूर है तो उठा इस लाश को। ये आपका बेटा है महाराज, इतना निर्दय मत बनो, मेरी बात सुन लीजिए। दिखे चोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। अरे घाट पे समझ क्या सारी। हाँ
महाराज। घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी महाराज। कह दे तारा रानी अर्थंगी हूँ। अरे न्यू कहती न घड़ा उठाऊं मैं तो मिश्रानी सत्संगी हूँ। समझ रही पिया लाभ समझ रही पिया लाभ हाड़ी तेरी मैं हाड़ी तेरी मैं। और घाट पे समझ घड़ा उठाऊं मैं तो मिश्रानी सत्संगी हूं। आज कड़े गई मिश्रानी, आज आठ माई है तू। महाराज आज मेरा वक्त ऐसा है कि आज आप भी मुझे ताना दे रहे हो। कहते हैं बताया प्रेमी सजनों कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है और घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है, कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है और जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। और झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता दोस्तों, जब इस दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है, हर बात बुरी लगती है। पिया जी आप मुझसे कर और कफन मांग रहे हो, आप ये तो सोचिए कि मैं खुद बर्तन मांझ मांझ कर अपना और अपने बेटे का गुजारा करती थी, और अगर मेरे पास एक फूटी कोड़ी नहीं है आपको देने के लिए, मैं कहां से कर और कफन लाऊं महाराज, मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। उस दिन तूने घड़ा नहीं उठवाया, मैं घड़ा उठा के गया, ठोकर लग के वो घड़ा फूट गया, मेरे मालिक ने झाड़ू मार मार के मेरी कमर सुजा दी। अगर उसे पता चल गया कि मैंने बिना कर और कफन के किसी लाश को मुखाग्नि देने दी, हे तारा वो मार मार के मेरा चाम सुझा देगा, मैं पिटना नहीं चाहता उससे। मेरी बात सुन लीजिए पिया जी, न्यू
कण दियो नलास ने वो बिना दिए मसूलास का वो कण दियो नलास ने लात चिता हमें मत मारे यो पाड़ा था रोहतास तने पक्का पीछ फूक लेती यो नाला ना था पास तने पूरे पक्का पीछ फूक लेती नाला ना नफरत क्यों भरी से पिया नफरत क्यों भरी से पिया वाणी तेरी मैं हर घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं कहानी तेरी मैं क्यों जमावे के बाद किसी चिता में आग नहीं दी जा सकती। तारा कुछ तो जतन बता, तू तो विधि बताने वाली है। उस दिन विधि बताई कि पानी में गोता मार घड़ा उठा ले, आज भी तो कोई विधि बता। महाराज अगर आप मुझसे वाकई में कुछ कर और कफन लेना चाहते हो तो मैं ये भी विधि बताऊंगी, पर आप अपने कहन पे पूरे अटल रहना। महाराज मेरी बात सुन लीजिए। कह दे तारा। छोटू सुन तारा बोल अखीर मेरा नहीं करते।
ये तो समय का अभाव आपको और मुझे दोनों को झेलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। पर जाइए महाराज, मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप अपने धर्म से अलग हो जाओ। तो आपको जिसने जो कहा है आप अपने धर्म पर अटल रहो और जाकर उस कालिया बंगी को मेरे गल का कंठी और ये चीर दे दीजिए। मैं तो नंगे सर से रह लूंगी पियाजी, नंगे सर से रह लूंगी। तेरे गले का मंगलसूत्र, तेरा चीर मेरे लिए बेशकीमती है, अनमोल है, कोई बिकाऊ चीज नहीं है। लेकिन तारा, इसको लेकर मैं कालिया भंगी के पास जाऊंगा। अगर उसने तेरी कंठी और चीर का 125 रुपये और कफन का मान लिया तो ठीक है, इस बच्चे को तू आग दे देना, नहीं तो तुझे कसम है मेरा भी मरा मुंह देखे। जब तक मैं वापिस ना आऊं तू यही बैठी रहना, इस चिता को मत जलाना। इस चीर को मैं ले जाके पहले उस कालिया भंगी को देकर पूछूंगा क्या वो कबूल करता है या नहीं करता। आ जाइए महाराज और मेरी बात सुन लीजिए। उसी डाल पे रही तू, जिस डाल रखे परमेश्वर उसी डाल से रही तू। सबके दिल में खटक लाग जा ऐसे छंद बनाइए तू। नई बस्ती गुरु धाम जयकरण हरदम सी सुपइए तू। जानू गुरु शरण दास जानू, थाणी तेरी में